ये तय करना पड़ेगा। बीच में कांग्रेस की सरकार आ गई। अब आपको पता है 18 के चुनाव के पहले हमने नर्मदा जी का पानी गंभीर में लाए, उसके बाद हमारी सरकार नहीं बनी। अभी भी बाबा जी आए थे, मंदिर की बात कर रहे थे, तो सरकार बनी नहीं। अब सरकार नहीं बनी तो दूसरों की सरकार आ गई। अब वो दूसरी सरकार ऐसी आई कि उसकी प्राथमिकता पानी देना नहीं था, कोई विकास उनकी प्राथमिकता नहीं थी। जब कोविड आ रहा था तो कमलनाथ कोविड से निपटने के इंतजाम नहीं कर रहे थे, वो आईफा करवा रहे थे। आईफा, और आईफा मतलब फिल्मी हीरो हीरोइन को बुला के सलमान खान, जैकलीन फर्नांडिस यहां तमाशे कर रहे थे। ये कांग्रेस की प्राथमिकता है, विकास प्राथमिकता नहीं थी, जन कल्याण प्राथमिकता नहीं थी उनकी। और इसलिए मेरे किसान भाइयों, एक एक करके झूठे वचन देते हैं। आजकल फिर कह रहे हैं वचन पत्र बना रहे हैं, वचन पत्र, और वचन पत्र में जितना लिखना हो लिख दो, करना धरना तो है ही नहीं। पता नहीं कितने, इतनी मोटी किताब 900 वादे कर दिए, अब फिर वो झूठा वचन पत्र बन रहा है और पूरे तो किए नहीं। एक एक करके सारी योजनाएं बंद कर दी। अभी मनोज बता रहे किसान के हिस्से का प्रीमियम जमा ही नहीं किया था। मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद किसान भाइयों पहला काम किया था तो 2200 करोड़ रुपए की प्रीमियम की राशि भर के 3000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाला था। और आज मैं फिर कह रहा हूं, झूठे वादे के कारण कई किसान डिफॉल्टर हो गए, ब्याज की गठरी सर पे चढ़ी है। मैंने तय किया है कि आप डिफॉल्टर होने के कारण, ब्याज पुरानी कर्ज माफी की घोषणा के कारण जो डिफॉल्टर किसान हुए हैं, उन डिफॉल्टर का पूरा ब्याज भरवा के मैं उनको डिफॉल्टर मुक्त करूंगा। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।